टुडे वाज आवर एसेस क्लास बाय सर आर एस जावेद और हमने तीन टाइप के ऐसे पढ़े हैं जिसमें हमने आज मेन फोकस किया था आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ ऐसे पे। अब आर्गुमेंटेशन का मकसद क्या होता है कि आपको दो परसेप्शंस दिए जाते हैं और आप उसमें एक अपना स्टांस लेते हैं। उसमें मैं थीसिस स्टेटमेंट पहले सिखाई गई। थीसिस स्टेटमेंट एक क्रक्स होता है आपकी ऐसे का, और उसके बाद जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसमें आप टॉपिक का सारा कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं। उसमें कोई भी स्टेटिस्टिक्स इफेक्ट्स असाइड नहीं किए जाते, नहीं लिखे जाते। उसके बाद हम जब आउटलाइन पे आते हैं तो आर्गुमेंटेटिव में आप पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद थीसिस आप इंट्रोडक्शन में ही ऐड करते हैं, फिर उसके बाद आप क्रंच पैराग्राफ लिखते हैं, उसके बाद थीसिस के पॉइंट्स देते हैं जो कि आपका ओपिनियन बेस्ड होते हैं, जिस पे आप फेवर ले रहे होते हैं जिसका। उसके बाद आप एंटीथीसिस के पॉइंट्स सेट करते हैं उसी के बुनियाद पे जिस पे आपने थीसिस के पॉइंट्स लिखे हैं। फिर आप सिंथेसिस के पॉइंट्स लिखते हैं जो कि थीसिस और एंटीथीसिस के पॉइंट्स मिलाकर, और फिर आपको एक बेसिक पॉइंट्स वहाँ पे बनाने होते हैं जिस पे आप अपने थीसिस के पॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं। आखिर में आप उसको कंक्लूड कर देते हैं, सारा कुछ सम अप करके आप उस पे शॉर्ट में बता देते हैं कि आपने जो पूरा ऐसे में लिखा है उसका कंक्लूजन क्या है।